नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिश एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टैबलेट मैनफोर्स 50 mg टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, मैनफोर्स टैबलेट को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। मैनफोर्स 50 mg टैबलेट 9 गोली की पैकिंग में आती है और इसकी कीमत यानी इसकी MRP लगभग 270 रुपये के आसपास होती है। MRP के हिसाब से तो ये 30 रुपये की होती है, परंतु यह आसानी से मार्केट में आपको 10 रुपये प्रति गोली के हिसाब से मिल जाती है, यानी यह MRP से 3 गुना कम में आपको आसानी से मिल जाती है। मैनफोर्स 50 mg टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से स्तंभन दोष या नपुंसकता में किया जाता है। यह दवा केवल पुरुषों के लिए है और बेटर इरेक्शन पाने में मदद करती है। मैनफोर्स 50 को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनफोर्स टैबलेट 50 mg और 100 mg की क्षमता में उपलब्ध है। आइए इस ड्रग के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि यह कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे काम करती है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस दवा का इस्तेमाल और किन किन समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। स्तंभन दोष या नपुंसकता, फेफड़े की धमनी में उक्त रचाव, यानी यह टेबलेट ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में काम आती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं मैनफोर्स 50 mg टेबलेट में क्या मिला रहता है। दोस्तों, मैनफोर्स 50 mg में सिल्डेनाफिल साइट्रेट 50 mg में मिला रहता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं मैनफोर्स क्या है। इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता में दिया जाता है। मैनफोर्स का सेवन फास्फोडिस्टरस 5 एंजाइम के प्रवाह को रोककर टिश्यू को रिलैक्स करता है तथा रक्त संचार को आसान बना देता है। ये दोनों ही चीजें स्तंभन में सहयोगी है। इसे सभी वयस्क पुरुष जिनकी उम्र 18 से 85 वर्ष की है के द्वारा ली जा सकती है। यह सेक्स पावर यानी इरेक्शन को ज्यादा देर तक बनाए रखती है। यह उत्तेजना या काम इच्छा को नहीं बढ़ाती पर एक्शन होने में मदद करती है। शुरू में इसकी कम मात्रा ली जानी चाहिए और यदि जरूरत हो तब बड़ी मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए। ज्यादा मात्रा तब लेनी चाहिए जब कम मात्रा लेने पर इरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। आपको बता दें, इस दवा को लेने से भी शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव, जिसे हम आम भाषा में नुकसान कहते हैं, हो सकते हैं। इसलिए यदि आवश्यक हो तो ही इसका उपयोग करें। यह दवा लिंग की रक्त वाहिकाओं में मांसपेशियों को आराम देकर लिंग में खून का प्रवाह बढ़ाती है एवं इरेक्शन टाइम बढ़ाने में मदद करती है। यह इरेक्शन में केवल तभी मदद करती है जब व्यक्ति यौन क्रिया के लिए उत्तेजित होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं मैनफोर्स 50 mg के साइड इफेक्ट्स। मैनफोर्स 50 mg टेबलेट का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। जब आपको बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हों तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये साइड इफेक्ट्स हैं: अनिद्रा, सिरदर्द, दस्त, हृदय की समस्या, शरीर गर्म महसूस होना, आंखों में जलन होना, पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब की इच्छा होना, मांसपेशियों में दर्द होना आदि। आइए दोस्तों अब जानते हैं मैनफोर्स 50 mg के सेवन विधि यानी इसके डोसेस के बारे में। मैनफोर्स का एक दिन में एक बार ही सेवन करना चाहिए। इसे एक बार में एक से ज़्यादा न लें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप इसे सादे पानी के साथ ले सकते हैं। इसे सेक्स करने के करीब 30 से 60 मिनट पहले लें। इसे लेने के बाद इसका असर 4-5 घंटे तक रहता है, लेकिन 3 घंटे बाद इसका असर कम होने लगता है। इसे हैवी मील के साथ लेने का अवशोषण धीमा हो जाता है, मतलब कम भरे पेट में इसका सेवन करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन करने पर दवा का असर कम होता है। ध्यान दें, इसे डॉक्टर द्वारा निर्देशित रूप में ही लें। आप इस ड्रग को नपुंसकता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। याद रखिए, मैनफोर्स टैबलेट सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए नहीं। इसलिए महिला ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टैबलेट मैनफोर्स 50 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।